सांवरे। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको इस तरह का एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन की जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने एडिटिंग की तरफ। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको प्लस पे क्लिक करना है और जहाँ से 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना और यहाँ से अपने कोई भी फोटो को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अपना फोटो यूज़ कर सकते हो सिंपली। तो आप अपना फोल्डर जो भी है सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से मैं अपना कोई भी फोटो को ले लेता हूँ, ठीक है सिंपली। तो गाइस, फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन ये करना, ठीक है। अगर आपका फोटो अच्छे से एडजस्ट नहीं है तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो आप इस तरह से, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सेव आइकन पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम PNG पे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ देर वेट करना है और इमेज को यहाँ पर सेव कर लेना, ठीक है। सेव करने के बाद आपको सिंपली बैक आना है और आपको अपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक स्टिक इफेक्ट और एक बीटमा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप इसलिए डाउट कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने बीटमा प्रोजेक्ट को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप गाइस चाहते हो कि यहाँ पर जो लिखा हुआ आर यू मिस हर इस तरह से, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो यहाँ पर, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से अपना जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, इजीली। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली बैक आ जाना, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको आना स्टार्टिंग पे, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी एक फोटो पे क्लिक करना, लेयर पे कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ऊपर से क्लिक करके आपको अलाइट मोशन सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपका जो भी इमेज रहेगा वो यहाँ पर क्रॉप होकर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना और यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। आपका इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जिसके बाद देख पा रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आगे यहाँ पर जितना भी लेयर मिलेगा आपको इसी इमेज को जो पूरा एंड तक ऐड करना है, ठीक है, इस तरह से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे जाना, यहाँ पर स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और उसी सेम इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर गाइस, जितना भी लेयर मिलेगा आपको जो है पूरा एंड तक इसी इमेज को ऐड कर देना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्या करना है। तो इस तरह से आपने सारे इमेजेस को जो पूरा एंड तक ऐड कर लेना है, ठीक है, एक एक करके इस तरह से। यहाँ पर आपको फोटो को रिप्लेस कर देना है, ठीक है, आपको इस तरह से फोटो में। फिर आपको आगे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे जाना है, यहाँ पर स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करना मीडिया वाले, और यहाँ पर अपने इमेज को ऐड कर देना। तो इस तरह से पूरा एंड तक ऐड कर लेना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ किस तरह से क्या करना है। तो इस तरह से आपको अपने इमेजेस को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। फिर आपको आगे आना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ से स्टार वाले ऑप्शन पे मीडिया पे क्लिक करके आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस तरह से इमेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आ जाना है, बैक आना है और आपको अपने SDR वाले इफेक्ट पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, किसी भी लेयर पर लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ से सब लेयर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। प्लस पे क्लिक करना, कॉपी 6 लेयर कर देना, फिर बैक आना है, बीटमार प्रोजेक्ट पे जाना और यहाँ से क्या करना, प्लस पे क्लिक करके पेस्ट 6 लेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका इफेक्ट जो है पूरा एंड तक ऐड हो जाएगा, ठीक है, ईजिली। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सिर वाले आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपका वीडियो पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।